जिन्हें भी दल आ जिन्ना भी पंथ आ अपने आप पंथ का हिस्सा समझते हैं निहंग सिंह इन्हों सारू कट्ठे करके यूक्रेन भेजा जाए क्योंकि गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने पंथ साजा ही इस वास्ते आ भी ये मजलूम धिर हक दे विच खड़े सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वालों साजिया होया पंथ खालसा खालसा फौज निहंग सिंह फौजा ने गरज के एक गल का ऐलान कर दिता है कि यूक्रेन दे विच जो रूस दे नाल युद्ध चल रहा है उस युद्ध विच असीं प्रधानमंत्री मोदी नूं ये बेनती करते हाँ कि जिन्हें भी पंजाब विच दल हन निहंग सिंह जथेबंदियां हन सारियां ही यूक्रेन विच जा के यूक्रेन का साथ देने लई तैयार हाँ। चलदे युद्ध विच हो रहे मजलूमां उत्ते जुल्म दा टाकरा करन लई असीं रूस दे विरुद्ध खड़न लई तैयार हाँ। निहंग सिंह अजिहियां फौजां हन जो 40 सिख 10 लख फौजां लड़ गई सी वह जज्बा अज भी गुरु गोबिंद सिंह जी वालों भरिया होया निहंग सिंह के अंदर कायम है। दूजे पासे युद्ध का अजिहा हाल है कि रूस लगातार यूक्रेन के उपर बमबारी कर रहा है जिस कारण भारत का भी एक स्टूडेंट जो उत्थे विद्यार्थी सी वह मारिया गया है और बाकी अनेक स्टूडेंट बहुत बुरी तरह फसे हुए हैं जिसनू रूस के जवान बुरी तरह टॉर्चर कर रहे हैं और कुड़ियों नाल बदसलूकी कर रहे हैं। अजिहा अपने भारत नाल हो रही बदसलूकी रूस वालों की जा रही यूक्रेन के लोगों के नाल अत्याचार साड़ी सिख कौम का कदे भी सह नहीं सकती। रशिया ने यूक्रेन के उपर परमाणु बंब चलाउण का भी ऐलान कर दिता है। इस तों अलावा रूस ने एक अजिहा यूक्रेन के उपर बंब चलाया है कि जो परमाणु तो कुछ थोड़ा खतरनाक है। अजिहा बंब जिस दे नाल उत्थों दी वातावरण की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने अजिहा बंब यूक्रेन के सुट्टिया है। हालात बहुत ही माड़े हैं और आज तक न्यूज़ के रिपोर्टों उपर भी गोलाबारी हो चुकी है जिस विच उन्हें कोई नुकसान नहीं होया पर उन्हां दी गड्डी का नुकसान हो चुका है। दूसरे पासे रवि सिंह ने भी यह ऐलान किया है कि ऐसी यूक्रेन विच फसे हुए अपने भारत के विद्यार्थी अते बाकी लोगों तक सहायता मुहैया करावांगे अते उन्हां नूं उत्थों कढ़ांगे जिस लई रवि सिंह अपने वालों पूरी जोर दे नाल कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन दे विच हवाई सर्विस बंद कीती होण दे कारण रवि सिंह पैदल ही दूर दूर तक यूक्रेन दे लोकां नूं सहायता मुहैया करा रहे हैं अते उत्थों तक भोजन दी और यूक्रेन तक भोजन भी पहुँचा रहे हैं। रवि सिंह ने दस्या है कि कुछ भारत के विद्यार्थी अलग अलग थावां तों उत्थों निकल चुके हैं और कुछ फसे हुए हैं जिन्हां दे नाल साडा कॉन्टैक्ट हो रहा है। असीं उन्हां नूं बचाउण दे लई अपने मैंबर दूर दूर तक भेज रहे हैं। उन्होंने ये भी दस्या कि साडी सोसाइटी के एक मैंबर 30 किलोमीटर पैदल तुर के सहायता पहुँचाउण लई यूक्रेन के व्यक्तियों वल पहुँच गए जबकि बहुत ही ठंड सी और बहुत ही दिल कंबाऊ का माहौल सी। इस दे नाल ही दस दईए कि यूक्रेन के हालात बहुत ही मंदे हैं पर यूक्रेन के राष्ट्रपति अते उत्थों दे लोकां दा साहस अजे भी कायम है और वह लड़न मरन लई तैयार हैं। यूक्रेन सैनिक बल विचों रशिया तो कमजोर है पर आत्मिक बल यूक्रेन का बहुत ही ज़्यादा है जिस कारण अजे तक रूस यूक्रेन के उपर जित प्राप्त नहीं कर सकिया और दूजे पासे अमेरिका अते होर कंट्रियां भी यूक्रेन का साथ देना चाहुंदियां हन पर ओ रशिया के डर कारण अगे नहीं आ रही और वह किसी न किसी तरह यूक्रेन नूं सहायता मुहैया करा रहे हैं। और दूजे पासे भारत वालों पंजाब वालों गुरु गोबिंद सिंह जी की साजी हुई फौज निहंग सिंह फौजा ने भी ऐलान कर दिता है कि भावें असीं मरदे मरदे मर जाइए पर मजलूमां दे उपर जुल्म नहीं होण देवांगे। किसी तरह मोदी सरकार नूं यह अपील है कि सानू यूक्रेन दे विच उतारिया जाए तो ऐसी रशिया नूं दिखा दईए कि किवें मजलूमां उपर जुल्म ढाईदा है। खालसा पंथ दे हौसले सदा ही बुलंद रहिंदे हन ते बुलंद ही रहणगे। इस दे सरकारां नूं विचार करना चाहीदा है कि सानू इस टाइम यूक्रेन दे नाल खड़े होना चाहीदा है। जय ही अगली वीडियो लैके आप जी सानू हाजिर होवांगे। फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ने गरज के
एक गल का ऐलान कर दिता है कि यूक्रेन दे विच जो रूस दे नाल युद्ध चल रहा है उस युद्ध विच असी प्रधानमंत्री मोदी नूं यह बेनती करते हाँ कि जिन्ने भी पंजाब विच दल हन निहंग सिंह जथेबंदियां हन सारियां ही यूक्रेन विच जा के यूक्रेन का साथ देने लई तैयार हाँ। चलदे युद्ध विच हो रहे मजलूमां उत्ते जुल्म दा टाकरा करन लई असी रूस दे विरुद्ध खड़न लई तैयार हाँ। निहंग सिंह अजिहियां फौजां हन जो 40 सिख 10 लख फौजां लड़ गई सी ओ जज्बा अज भी गुरु गोबिंद सिंह जी वालों भरिया होया निहंग सिंघां दे अंदर कायम है। दूजे पासे युद्ध दा अजिहा हाल है कि रूस लगातार यूक्रेन दे उपर बमबारी कर रहा है जिस कारण भारत दा भी एक स्टूडेंट जो उत्थे विद्यार्थी सी ओ मारिया गया है और बाकी अनेक स्टूडेंट बहुत बुरी तरह फसे हुए हैं जिस नूं रूस दे जवान बुरी तरह टॉर्चर कर रहे हैं अते कुड़ियां नाल बदसलूकी कर रहे हैं। अजिहा अपने भारत नाल हो रही बदसलूकी अते रूस वालों की जा रही यूक्रेन दे लोकां दे नाल अत्याचार साडी सिख कौम दा कदे भी सह नहीं सकती। रशिया ने यूक्रेन दे उपर परमाणु बंब चलाउण दा भी ऐलान कर दिता है। इस तों अलावा रूस ने एक अजिहा यूक्रेन दे उपर बंब चलाया है कि जो परमाणु तों कुछ थोड़ा खतरनाक है। अजिहा बंब जिस दे नाल उत्थों दी वातावरण दी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। यूक्रेन दा दावा है कि रूस ने अजिहा बंब यूक्रेन दे विच सिटिया है। हालात बहुत ही माड़े हैं और आज तक न्यूज़ दे रिपोर्टना उपर भी गोलाबारी हो चुकी है जिस विच उन्होंने कोई नुकसान नहीं होया पर उन्हां दी गड्डी दा नुकसान हो चुका है। दूसरे पासे रवि सिंह ने भी यह ऐलान किया है कि ऐसी यूक्रेन विच फसे हुए अपने भारत दे विद्यार्थी अते बाकी लोकां तक सहायता मुहैया करावांगे अते उन्हां नूं उत्थों कढ़ांगे जिस लई रवि सिंह अपने वालों पूरी जोर दे नाल कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन दे विच हवाई सर्विस बंद कीती होण दे कारण रवि सिंह पैदल ही दूर दूर तक यूक्रेन दे लोकां नूं सहायता मुहैया करा रहे हैं अते उत्थों तक भोजन दी और यूक्रेन तक भोजन भी पहुँचा रहे हैं। रवि सिंह ने दस्या है कि कुछ भारत दे विद्यार्थी अलग अलग थावां तों उत्थों निकल चुके हैं और कुछ फसे हुए हैं जिन्हां नूं जिन्हां दे नाल साडा कॉन्टैक्ट हो रहा है। असीं उन्हां नूं बचाउण दे लई अपने मैंबर दूर दूर तक भेज रहे हैं। उन्होंने ये भी दस्या कि साडी सोसाइटी दे एक मैंबर 30 किलोमीटर पैदल तुर के सहायता पहुँचाउण लई यूक्रेन दे व्यक्तियों वल पहुँच गए जबकि बहुत ही ठंड सी और बहुत ही दिल कंबाऊ दा माहौल सी। इस दे नाल ही दस दई कि यूक्रेन दे हालात बहुत ही मंदे हन पर यूक्रेन दे राष्ट्रपति अते उत्थों दे लोकां दा साहस